बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्यारा किचन में वेलकम। चलिए जी, आज हम बनाएंगे नल्ली नहारी। तो नल्ली नहारी बनाने के लिए नहारी के कुछ स्पेशल मसाले होते हैं, तो इसको हम देख लेंगे पहले और इन्हीं को हम पीस के रख लेंगे साइड में। अब यहाँ देखिए, मैंने 1.5 चम्मच है तो सौंफ ले ली हूँ, जिससे है तो बहुत खुशबू आती है। और ये नहारी में ये आम हिस्सा है, ये इसका सौंफ का। और यहाँ पे देखिए, एक है तो मैंने जावित्री का टुकड़ा ले ली हूँ और एक है तो दालचीनी का टुकड़ा ले ली हूँ। 1/2 टीस्पून शाहजीरा ले ली हूँ, एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा ले ली हूँ, ज़्यादा ना डालिए। और यहाँ पे 2 है तो बादियान के फूल ले चुकी हूँ। यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा ले ली हूँ, 5-6 लौंगों को ले ली हूँ और 5-6 मैंने है तो हरी इलायची को ले ली हूँ, 2 है तो बड़ी इलायची ले ली हूँ काली। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अदरक का तो सूखी अदरक जिसको सौंठ बोलते हैं हम, ये ली हूँ। ये 2 मसाले, ये 2 रहना ज़रूरी है। हमारा ये नल्ली नहारी बहुत टेस्टी सी बनेगी, तो आप इसे बना के ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी घर में रख सकते हैं। तो चलिए जी, इनको मैं पीस लेती हूँ, पाउडर बना लूँगी इनको, और नहारी बनाने के टाइम हम इनको यूज़ करेंगे। तो चलिए जी, इनको थोड़ा तोड़ लें ताकि मिक्सर में ये अच्छे से पिस जाए। तो चलिए, इनका हम पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप से ज़्यादा ली हूँ तेल, थोड़ा सा ज़्यादा है, और तेल गरम हो चुका है। तो यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने देखिए यूँ पतले पतले पीस में कट कर ली हूँ, और ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे इन प्याजों को अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक का फ्राई कर लेंगे। एक बार इनको मिक्स कर दे अच्छे से, और फुल आंच पे इनको अच्छे से सुनहरा कलर आने तक का फ्राई कर लेते हैं हम। देखिए, प्याज हमारा बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है, कलर अच्छे से आ चुका है ना इसमें। तो अब इसमें थोड़े से मसाले हम डालेंगे। यहाँ पे 1.5 चम्मच है तो मैंने लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ, ये इसमें डालती हूँ। और यहाँ पे इनको अच्छे से भून लेंगे प्याजों में। देखिए, प्याज का कलर कितना अच्छा आया, सुनहरा सा। तो इसी तरीके से कलर लेना है प्याजों में। तो यहाँ पे अच्छे से इनको भून लेते हैं। चूल्हे को थोड़ा धीमा कर लेंगे। और यहाँ पे लहसुन अच्छे से भुने गया, तो यहाँ पे देखिए 150 ग्राम है तो दही ले लेती हूँ। गैस को धीमा किया करें दही डालने के टाइम। और यहाँ पे अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। दही को भी भुनेंगे मसालों में बहुत अच्छे से। देखिए, दही ने कितना सारा पानी छोड़ा है। तो इसी के साथ में अभी 2 टमाटो को मैंने पीस ली हूँ, और इसमें 4-5 हरी मिर्ची भी डाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है हम लोग को। और यहाँ पे इनको अभी भून लेंगे गैस को फुल रखिए, और अच्छे से इनको भुने मसालों को। इन टमाटो के ही साथ में हम कुछ खड़े मसाले ले लेंगे इसमें। देखिए, एक है तो मैंने बादियान का फूल ले ली हूँ, 3-4 लौंग ले ली हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले ली हूँ मैंने, और 8 से 10 काली मिरी ली हूँ। और काली मिरी जो हमने नहारी का मसाला शुरुआत में बताए थे पीसने वाला, उसमें मैं बताना भूल गई थी, तो उसमें भी मैंने 10 से 12 मैंने काली मिरियों को डाल के पीस ली, उसका पाउडर बनाई। और अब यहाँ पे देखिए, 10 से 12 काली मिरी ले ली हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा ले ली हूँ, 3 है तो छोटी इलायचियों को ले ली हूँ, और टेस्ट के मुताबिक नमक, नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम डाल देंगे। ये इसमें डालते हैं मसालों को टमाटर के साथ, ये भी भूनते रहेंगे, पकते रहेंगे, इनकी खुशबू है तो बाहर आएगी। तो अच्छे से इनको भून ले। मसाले देखिए जी, बहुत अच्छे से भुने जा रहे हैं। पानी जो भी था इसमें, दही का, टमाटो का, ये भी अपना पानी सूख रहा है। अब यहाँ पे मैंने जितना लहसुन ली हूँ उतना ही मैं अदरक लूँगी, 1.5 चम्मच। ये थोड़ा सा पतला हो चुका है, पानी ज़रा ज़्यादा डाली थी। और यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो हमने नहारी के मसाला पीसे थे, ये देखिए मसाला, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाह। और थोड़ा है तो हम आगे डालेंगे ज़रूरत रहेगी तो, नहीं तो इतना काफ़ी है इसके लिए। और यहाँ पे एक बार इनको मिक्स दे देंगे अच्छी तरह से, भून लेंगे मसालों को भी। यहाँ पे 2 चम्मच हम ले लेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, जिससे रंग है तो अच्छा आएगा। तीखे के लिए हमने 5-6 हरी मिर्चों को टमाटे के साथ पीसे थे। और यहाँ पे लेंगे अभी थोड़ा सा हम 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। और
और यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नहारी बनाने में कोई ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, ये इसमें ही इतने ही मसालों में ये बहुत टेस्टी सी बनती है। और आपको हमारे चैनल पे नहारी की हमने पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देखिए वो नहारी हमने किस तरीके से बनाए हैं। यहाँ पे थोड़ा देर इनको भून लेते हैं। माशाल्लाह से इसकी खुशबू बड़ी लाजवाब है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मसाले भी देखिए बहुत अच्छे से भून चुके हैं। और यहाँ पे इसका जो कश्मीरी मिर्च पाउडर हमने डाले ना, इससे रंग बहुत प्यारा सा आया। अब ये देखिए हमारे मसालों में दाने कितने अच्छे से पड़ गए। तो इस तरीके से भुने मसालों को अच्छे से अब इसमें डालते हैं हम गोश्त को। तो यहाँ पे मैंने गोश्त ली हूँ कुछ 1.5 किलो के करीब। आप इसको बड़े के गोश्त में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चिकना भी ली हूँ रवाज। और यहाँ पे देखिए कुछ नली को ली हूँ मैंने, नली नहारी बना रहे। और एक बार इनको चला लेते हैं अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाह, अभी गोश्त है तो अपना पानी छोड़ेगा, तो वहाँ तक का इनको फिर हम भूनते रहेंगे थोड़ा देर अच्छे से। फिर कुछ देर के लिए इनको हम ढक्कन ढक के छोड़ देंगे, ताकि गोश्त हम गलाना है ना हमें गोश्त अच्छे से। तो इनको 1 घंटा तो जाएगा ही पकने के लिए, 1 से 1.25 घंटा आराम से निकल जाएंगे पकते पकते में। तो एक बार अच्छे से इनको मिक्स दे दें। कुछ देर के लिए इनको 10 मिनट के लिए हम फुल आंच पे रखते हैं ढक्कन ढक के। चलते जी, यहाँ पे इनको 10 मिनट हो गए, तो उनको चेक कर लेते एक बार। माशाल्लाह से हमारी नहारी अभी तैयार भी नहीं हुई है, तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त से आ रही है, क्या ही मैं बताऊँ आपको। आप एक बार इसे बना लेंगे ना, आप खुद बोलेंगे वाकई में क्या लाजवाब सी नहारी बनी है। तो एक बार इनको मिक्स दे देंगे अच्छी तरह से। इसमें हम थोड़ा पानी लगा लेंगे, अभी पानी डाल के इनको यहाँ पे 1/2 घंटा छोड़ेंगे। देखिए 1/2 गिलास के करीब मैंने पानी इसमें डाली हूँ। और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 चम्मच है ना, मैंने सत्तू ली हूँ 2 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने वो ली हूँ बेसन। आप इनके जगह पे गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। अब ये है तो इसमें डाल देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घबराइएगा नहीं, लम्स नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो पानी घोल के आप इसमें डाल दे घोल के। और एक बार इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये सत्तू है ना, चना सेंग मूँगफली जहाँ से हम लेते हैं ना कुरमुरा, उनकी दुकान पे आराम से ये मिल जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो गेहूँ का आटा भी आप डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से इनको मिक्स कर दें एक बार। देखिए इनमें इसमें जितना भी ऑयल था ये सारा के सारा गायब हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये हमने डाले ना सत्तू और बेसन, उसके वजह से ये बाद में पकते रहेगा और ये खुद ब खुद ऑयल है तो ऊपर आ जाएगा। और इसमें पानी डाल देती हूँ मैं अभी 1 से 1.5 गिलास के करीब। देखिए 2 गिलास से ज़्यादा मैंने पानी डाली हूँ। बिस्मिल्लाह, और एक बार अच्छे से इनको मिक्स दे दे। और इनको ढक्कन ढक के आप छोड़ दे आप 1 घंटे के लिए। बहुत भुनाई की है हमने, 1/2 घंटे से ज़्यादा इनकी भुनाई किए हैं। अब इनको ढक्कन ढक के हम 1 घंटा छोड़ देंगे, और बाद में चेक भी बीच बीच में करते भी रहेंगे चेक, ताकि हमने जो बेसन और सत्तू डाले हैं ना वो नहीं लगना चाहिए। बिस्मिल्लाह, इसको छोड़ देती मैं 1 घंटा। 1 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। चैनल को लाइक नहीं किए तो जब तक चैनल को लाइक कर ले। 1/4 घंटा इनको पूरे लगे गोश्त को गलने के लिए। और इसके बाद में मैंने गैस को बंद करके 10 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ। अब देखेंगे इनको ढक्कन खोल के, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो चलते इनका ढक्कन खोल लेते एक बार। और चूल्हा यहाँ पर बंद है हमारा। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त, ये जो हमने
बेसन डाले थे जब सारी तरी गायब हो गई थी। तो अब देखिए हमने थोड़ा देर इनको धीमी आंच पे भी 1 से 1.25 घंटा पकाए और इसके बाद में गैस को बंद करके 10 मिनट के लिए मैंने ऐसा ही छोड़ी हूँ। तो देखिए ये सारा रोगन है तो ऊपर आ चुका है, देखिए आप देख सकते हैं ये देखिए। तो चले जी हम इसको आपको निकाल के भी दिखाते प्लेट में। माशाअल्लाह से बहुत टेस्टी और जायके से लबरेज है। बीच में मैंने चेक करी थी नमक थोड़ा मेरे को कम लगा था तो मैंने इसमें नमक भी ऐड करी हूँ। अब चले जी मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए हमारी नहारी तैयार है, हम आपको प्लेट में डाल के दिखाते हैं। माशाअल्लाह से देखिए इसका लुक टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना आप। रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दे और इसे तंदूर की रोटी में और या नान में इसे खाइए, बहुत मज़ा आती है। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए हमारी नहारी तैयार है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी रहेगी। तो आप यहाँ पे देखिए मैं नहारी को प्लेट में निकाल देती हूँ और इसे हम लोग तंदूर की रोटी में या गेहूँ की रोटी में हम इनसे खाने वाले। और यहाँ देखिए मैं थोड़े से अदरक के लच्छे डाल देती हूँ इस पर और इसी के साथ में थोड़ी से कट करके हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ। ये देखिए देखने में इसका लुक माशाल्लाह से कितना अच्छा सा लग रहा है ना। चलते जी हमारी नहारी तैयार है। अब मैं यहाँ पे आपको बोटी भी तोड़ के दिखाती हूँ कि किस कदर गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोश्त गला है ना। 1.25 घंटे लगे लेकिन बहुत मज़े का गोश्त हमारा गल चुका है और मज़े से हम इसे आराम से घर में बना सकते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी सा गोश्त। और चलिए आपका बहुत सा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।